हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 का गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों, गुणनखंड करने का कॉन्सेप्ट देखिए। तो कॉन्सेप्ट यह है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में गुणा करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में दोस्तों कोई संख्या है? नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो एक है, क्योंकि एक छिपा रहता है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसके गुणांक में कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ गुणे एक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर को एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है? तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में कौन सी संख्या? एक। तो अब हम इस एक से यहाँ जो अचर पद है 45, इसमें गुना करेंगे। तो हम एक से 45 में गुना करेंगे, तो 45 में एक से गुना करेंगे दोस्तों, क्या होगा? 45 ही होगा। अब ध्यान दीजिए, हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में गुणा कर दिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो 45 है ना, इसे हम अब दो भाग में तोड़ेंगे। तो हम इसे इस प्रकार दो भाग में तोड़ेंगे कि प्लस करने पर, यहाँ प्लस चिन्ह है ना लास्ट में, तो प्लस करने पर 14 आना चाहिए, ठीक है, और गुणा करने पर 45 आना चाहिए। हम इस 45 को इस प्रकार दो भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 45 और जोड़ने पर 14 आना चाहिए। तो हम 45 को किस प्रकार तोड़ेंगे ताकि जोड़ने पर 14 आ जाए और गुणा करने पर 45। तो दोस्तों, हम 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 5 45। तो यहाँ लिख लेते हैं 9 × 5, 9 5 45। गुणा करने पर यहाँ 45 आ रहा है, तो हम यहाँ अब जोड़ कर देखेंगे कि 14 आता है कि नहीं। तो जब हम 9 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 14। यहाँ देखिए बीच वाला संख्या आ रहा है 14। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए 14 है तो ब्रैकेट लगाकर हम इसे लिखेंगे 9 + 5 को, 9 + 5 गुणे में है एक्स, तो यहाँ एक्स लगा देंगे, फिर प्लस 45, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ कोष्टक में है 9 + 5 गुने एक्स, यानी हम इस एक्स से 9 में गुना करेंगे फिर 5 में गुना करेंगे। तो 9 में एक्स से गुना करेंगे तो 9x होगा, ठीक। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, 5 में एक्स से गुना करेंगे 5x, और ये फिर 45 है। तो इस प्रकार हम इसे लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 पद है, तो हम यहाँ दो दो पद को हल करेंगे। दो दो पद को कैसे हल करेंगे? कॉमन निकाल कर। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 2x गुना में है और प्लस के इस साइड 1x है, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स। उभयनिष्ठ गुणनखंड x है, तो इसे हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो x निकल गया दोनों में से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर था तो 1x बाकी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ था 9x, हमने x निकाल लिया तो बाकी रह गया 9, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 5x + 45 है, तो इस दोनों में से हम यहाँ कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है 5x और प्लस है 45, तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 5, तो यहाँ भी 5 है, प्लस के इस तरफ भी 5 है, यानी इस दोनों में से हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन आएगा 5। तो लिखेंगे 5, फिर कोष्टक, यहाँ क्या बाकी रह गया? x, तो लिखेंगे x। अब यहाँ चिन्ह लगाएंगे, यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस चिन्ह, और यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस चिन्ह, तो इस दोनों को गुना कर कर यहाँ हम लगाएंगे। तो प्लस और प्लस को गुना करने पर क्या होता है? प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। यहाँ क्या था? 45, 45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5, 5 कॉमन आ गया, तो क्या बाकी रह गया? 9, तो यहाँ लिखेंगे 9।
अब यहाँ देखिए दोस्तों, प्लस के दोनों तरफ x प्लस 9 है, तो हम यहाँ फिर से x प्लस 9 को कॉमन निकालेंगे क्योंकि दोनों में है। तो x प्लस 9 कॉमन आ गया, तो इधर क्या बाकी हो गया x, फिर यहाँ प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए x प्लस 9 गुने x प्लस 5 है ना, यही हमारा इसका गुणनखंड है। तो ये होगा दोस्तों हमारा आंसर। इस प्रकार हम बहुत ही आसान तरीका से बहुपद का गुणनखंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।